हिमेश रेशमिया ने रामू मंडल को क्यों दिया अपने साथ गाने का मौका, जानिए क्या है बड़ी वजह। एक गरीब महिला जो रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए भीख मांगा करती थी, एक वीडियो वायरल होने पर अचानक मशहूर हो गई और उसे म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के साथ गाना गाने का मौका मिल गया। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है और इससे उनकी पूरी किस्मत ही बदल गई। रामू मंडल के लता के गाने से हुई थी मशहूर। दरअसल गरीब महिला रामू मंडल ने लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसके बाद रामू का मेकओवर करने वालों की लाइन लग गई। वहीं अब संगीतकार गायक हिमेश रेशमिया ने अपनी नई फिल्म में उन्हें मौका दिया है। हिमेश रेशमिया की अगली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड ही, इसमें रामू मंडल ने तेरी मेरी कहानी नाम का गाना गाया है। हिमेश रेशमिया ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रामू स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही है, उनके पास हिमेश खुद खड़े हैं और गाइड कर रहे हैं। सलमान खान है बड़ी वजह। रामू मंडल को भले ही हिमेश रेशमिया ने गाने का मौका दिया हो, लेकिन इसके पीछे सलमान खान का बड़ा हाथ है। आप पूछेंगे कैसे, तो आज हम बताने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में हिमेश रेशमिया ने खुद इसका खुलासा किया है। हिमेश ने कहा कि सलमान भाई के पिता सलीम अंकल ने मुझे एक बार सलाह दी थी, जब भी तुम जिंदगी में किसी टैलेंट इंसान से टकराओ तो उसे कभी जाने मत दो। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि उस इंसान को अपने टैलेंट के बलबूते आगे बढ़ने में मदद करो। आपको क्या लगता है हिमेश रेशमिया ने यह सब क्यों किया है? अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, अपना कद बॉलीवुड में अच्छा करने के लिए, गुड बॉय कहलाने के लिए? तो अपना कमेंट लिखकर जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।